कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र गुलरभोज में स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि 13 डिस्टेंशन के तहत गुलरभोज बोर जलाशय को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन गुलरभोज बोर जलाशय में जाने वाली सड़क की दुर्दशा बहुत ही खराब है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसके चलते 2 दर्जन से ज्यादा स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए कहा कि यहाँ की सड़क की दुर्दशा और क्षेत्र का विकास न होने से लगता ही नहीं है कि यह पर्यटन नगरी है और गुलरभोज में एक ही सरकारी अस्पताल है, उसके अलावा कोई भी अन्य अस्पताल नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं होने से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब कैबिनेट मंत्री का गृह क्षेत्र का यह हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या होगा। और कहा कि गुलरभोज डैम में पहले मछली पालन होता था जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है जिससे स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। 5 साल पहले भी विधायक रह चुके, अब मंत्री बने हैं, उसके बाद भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है यहाँ गुलरभोज क्षेत्र में और सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मंत्री जी से क्या उम्मीद रखे हम बताओ। ये डैम यहाँ पे नजदीक है, लेकिन डैम को जाने वाले जो रास्ते हैं उसका नज़ारा आप स्वयं चल के देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। जब एक कैबिनेट मंत्री जी के क्षेत्र का ये हाल है तो पूरे उत्तराखंड का क्या हाल होगा, ये मेरे समस्या पर है। ये क्षेत्र में फील्ड में कहीं पर भी इस तरह का आभास नहीं होता कि इसको पर्यटन का दर्जा दिया जा रहा है। उसका मुख्य जो कारण है, यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ के लोगों का विकास देखिए, और यहाँ पर जिस हिसाब से वहाँ पर अभी घेराबंदी चल रही है डैम के ऊपर, इन्हीं के लोग कर रहे हैं और वो अपनी दुकानदारियाँ वहाँ पर फिट कर रहे हैं, ये आड़ में भारी घोटाला होने की आशंका है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में गुलरभोज क्षेत्र को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का वादा किया है और उसी के तहत यहाँ पर नाव बोट वगैरह वाटर कैनिंग वनिंग पैराग्लाइडिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन अगर यहाँ की रोडों की दुर्दशा देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। जबकि यहाँ के जो विधायक हैं और वहाँ के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में सड़कों का इतनी दुर्दशा निश्चित रूप से बड़े दुर्भाग्य की बात है। जबकि अगर गुलरभोज ड्राम पहले यहाँ पे मछली पालन होता था और उससे काफ़ी राजस्व होता था, लेकिन जब से ये पर्यटन हुआ है तो यहाँ के एक तो स्थानीय लोग जो बेरोजगारी के कगार पर है उनका कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है और कोई भी व्यक्ति को जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मुहैया किया जा रहा है, जबकि बाहर के लोगों को हायर किया जा रहा है। इसलिए यहाँ के जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। ऊपर से जो यहाँ की सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा दयनीय है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना हो रही है।